हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रदक्षिणा के मंत्र। भगवान की किन मंत्रों द्वारा प्रदक्षिणा करनी चाहिए, अर्थात परिक्रमा करनी चाहिए, और किन देवी देवताओं की कितनी करनी चाहिए, यह भी आपको हम बताएंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपको इसका लाभ होगा। आइए सबसे पहले प्रदक्षिणा के मंत्रों को जानते हैं। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे 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 आपरिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणां मे परितः करोमि। ॐ दीर्दीर्धानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणाः ते खाग्गुंशहस्रयो जने वधन्वानि तन्मशी। ॐ सप्ताश्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तशमिधाः कृताः देवा जद्यजिगन्तन्वाना अवधनन् पुरुखं पशुं मा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। इन मंत्रों के द्वारा भगवान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और किन देवी देवताओं की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। एका चंड्यारवेः सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरेश्चतस्रः कर्तव्याः शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। माँ भगवती चंडी की एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए, भगवान सूर्य नारायण की सात प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और भगवान गणेश जी की तीन प्रदक्षिणा करनी चाहिए, भगवान विष्णु जी की चार प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और भगवान शिव की अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रदक्षिणा के भेद हैं, और उन्नति चाहने वाले को एक से ज़्यादा ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसी प्रकार से आप प्रदक्षिणा के मंत्रों को सीख लीजिए, और किन की कितनी करते हैं यह भी सीख लीजिए, और यदि कर्मकांड आप इसी प्रकार से सीखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।